Welcome back. A parliamentary committee has adopted its report on the contentious Lokpal Bill, leaving it to the wisdom of Parliament to decide on inclusion of Prime Minister in its ambit. The 30-member panel has recommended conferring constitutional status on the Lokpal and setting up of Lokpal and Lokayuktas in states under one legislation. The judiciary and conduct of MPs in Parliament have been kept out of the Lokpal's ambit. The final report keeps out Group C employees from the ambit of Lokpal. The report, without taking a position, also recommended three options on the issue of Prime Minister: his inclusion without exception and qualifications, inclusion with no exclusionary caveats but after demitting office, and inclusion of the PM with exclusions on issues like national security and foreign affairs. To discuss this issue, we have in our studios Gaurav Goyal from the NGO Awaz, B.B. Behal, President of Chandigarh Congress, Rahul Bhartiya from India Against Corruption, and Amarjeet Singh Viraj, Program Head, All India Radio, Patiala. We are also joined live from Amritsar by Professor Darbari Lal, Congress leader and former Deputy Speaker of Punjab Vidhan Sabha. Also joining us on phone line from Jalandhar is Dr. Pawan Thapar of the Harijan Sevak Sangh, which was formed by Mahatma Gandhi in 1932. Aap sabka is discussion mein bahut bahut swagat hai. Main Rahul aap se shuru karungi. Parliament Committee ki jo final report hai, iske upar aap kis tarah se react karna chahenge? हमारा बिल्कुल क्लियर है मुद्दा कि सी और डी क्लास ऑफिसर्स उसमें आने चाहिए, बिकॉज जनरली जो आम जनता का जो भ्रष्टाचार से सामना है वो इन्हीं क्लास ऑफिसर से है जी, और अगर इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो ये जो मुहिम है ये रोकी नहीं जाएगी. गौरव, आप इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करेंगे? मैं जो राहुल जी ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंटल जो हमारे इम्प्लॉयज हैं अगर 100% का देखें तो 88% सी एंड डी एम्प्लॉयज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जी. अगर हमने उन्हीं को निकाल दिया तो सिर्फ 12% रह जाएंगे. और भी एक पुलिस ऑफिसर, एक आम आदमी जब जाता है अपनी एफआईआर करवाने तो उसको सी एम्प्लॉय से जो एक एसएच होता है वो सी के अंडर आता है तो उससे पाला पड़ता है उसका, वैसे पीएन से, छोटे छोटे बाबू से, तो ये तो जरूर आना चाहिए. आपके ख्याल से इनको बाहर क्यों रखा गया इस एम्बिट से? मे बी गवर्नमेंट इंटेंशन नॉट क्लियर. वो चाहते हैं कि जो मेजर हमारे साथ, हमारा वोट बैंक है, साथ जुड़ता है या कुछ रहता है. मेरा एक आम आदमी की तरह अगर मैं, मेरा आईएएस से कोई काम नहीं पड़ता, आईपीएस से मेरा कोई काम नहीं पड़ता, मुझे अगर कोई काम पड़ता है तो सीएनडी से पड़ता है. अगर 88% को ही हमने बाहर निकाल दिया तो सिर्फ 12% को आप लेके आना चाहते हैं जी, तो इंटेंशंस मे बी आर नॉट क्लियर. राइट, बहल साहब आप क्या कहेंगे जो गौरव ने कहा कि सरकार की जो इंटेंशंस है वो सही नहीं लग रही है कहीं ना कहीं? गवर्नमेंट की इंटेंशंस आर वेरी क्लियर जी. सीएनडी को जो उन्होंने उस दायरे से बाहर रखा है, इट इज वेरी करेक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन. क्योंकि अगर आप इतने लोगों को एक ही लोकपाल में ले, अंडर लोकपाल में ले आओगे तो इसका मतलब ये हुआ यू आर ट्रांसफरिंग द करप्शन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट. वी एक ही आदमी कंट्रोल करे, ये कहाँ लिखा है कि जो परमात्मा आप जिसको आप डिक्लेयर करने जा रहे हो, गॉड डिक्लेयर करने जा रहे हो, he is a honest man, he will work to the satisfaction of these NGOs or to these opposition leaders. Ji. They should understand ke itna bada mulk hai, is mulk ko ikattha rakhne ke liye kya kya desh ke interest ke liye kya kya hona chahiye, जो आज के दिन में हम कोई नहीं सोचता जी. प्रोफेसर दरबारी लाल, मैं आपका रिएक्शन इस मुद्दे पे लेना चाहूंगी. क्या आपको लगता है कि जो ग्रुप एन, ग्रुप सी और ग्रुप डी को बाहर रखा गया इस एम्बिट से, लोकपाल के एम्बिट से, उससे जो सरकार की जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, जैसे कि गौरव ने पहले कहा? गवर्नमेंट की इंटेंशन या नीयत बड़ी साफ और स्पष्ट है. गवर्नमेंट हर हालत में लोकपाल बना करके इस देश से करप्शन को खत्म करना चाहती है. बुनियादी तौर पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि पॉलिटिकल करप्शन के का मसला पहले पैदा हुआ और उसको दूर करने के लिए
लोकपाल बिल का सवाल हमारे सामने आया, तो गवर्नमेंट ने जो आईएएस है, आईपीएस ऑफिसर है ए और बी कैटेगरी के, उनको लोकपाल बिल के दायरे में लाने का फैसला किया है। लोअर लेवल के ऊपर सी और डी में जो लोग आते हैं, इनमें सफाई सेवक है, चपरासी है, छोटे छोटे काम करने वाले हैं। हिंदुस्तान का लोकपाल बिल जो बनाया जाए और लोअर लेवल के ऊपर एक सफाई कर्मचारी के ऊपर भी वो केस चलाए, ये ना मुनासिब है, ना वाजिब है, ना दुनिया के किसी मुल्क में हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल वाजिब है, मुनासिब है और उचित है, और इसको इसी तरह लेके चलना चाहिए। आईएएस आईपीएस अफसर से मिलने के लिए पहले बाबुओं से मिलना पड़ता है, और बाबुओं से मिलने, अगर आपसे मिलने के लिए जाएं तो सबसे पहले बोला कि बाहर वेट करो, बाबू से पीएन से जाके बात करो, वो अपॉइंटमेंट देगा तो मिलेंगे जी। वहां पे पीएन बोलता है कि सर बैठे हुए हैं, कितने पैसे दोगे तब जाके आपको मिलने के लिए देंगे। एक वक्त एक इंसान नहीं तो 99% इंडियंस अगर आईएएस आईपीएस मंत्रियों से मिलने जाना चाहते हैं, कोई उनसे मिलने के लिए डायरेक्ट तैयार नहीं है। दी ऑलवेज से कि पीए से मिलो, पीएन से मिलो, उनसे मिलो, और उनके पास मिलने के लिए जाओ तो वो ये देखते हैं कि किसकी जेब में कितना पैसा है, कौन कितने मोटे काम के लिए आया है, तो उसको मिलने के लिए देंगे। आम आदमी अगर छोटा सा भी आदमी, आम आदमी अगर आज सीएम से या डीसी से मिलने के लिए जाता है, वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। दे ऑलवेज से कि भी मेरे नीचे जो अफसर बैठे हैं उनसे जाके मिलो पहले, उसके बाद वो कंप्लेंट उनके पास से उनके पास होके आएंगी। तो सीओडी क्लास अगर नहीं आएगा, टोटल ये लोकपाल बिल फ्रॉड है, इनकी तरफ से कोई उसमें दम नहीं रहेगा, और आम आदमी को जो एक समाधान मिलना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ वो नहीं मिल सकता। जैसे कि भेल जी ने कहा और दरबारी जी ने कहा, आप डिप्टी स्पीकर हैं, कि सरकार 12% को तो लेके आना चाहती है, सरकार चाहती है कि 12% लोग करप्शन ना करें, और छूट दे रही है क्या 88% करप्शन करें। मतलब सरकार की इंटेंशन इसी से समझ आती है कि आप 88 को लेके आओ, 12 को छोड़ दो, जो समझ में आता है आप 88 को छोड़ना चाहते हो, और वो 12 को लेके, वो 12 भी 88 के थ्रू मैं यहाँ पे अमरजीत जी, वो 12 भी 88 के थ्रू करप्शन कर रहे हैं जी। ऐसे है कि इनकी बात जैसे कह रहे हैं कि ग्रुप सी और डी इम्प्लाई जो है उसमें नहीं आने चाहिए, बात ये है कि ये सब लोग जानते हैं, ये मेंटेशन करते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो ऊपर से नीचे को आता है। जब हमने ऊपर सब कुछ काबू कर लिया तो तब नीचे तो कोई कर ही नहीं सकता। इन्होंने बात की है जैसे डीसी साहब को मिलने की है, या किसी और बड़े ऑफिसर को मिलना है तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि जो पीएन है, जो उनके दफ्तरी हैं, वो नहीं मिलने देते। मैं समझता हूँ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता कि सभी जगह, कोई एक आध केस हो सकता है, लेकिन जब ऊपर ऑफिसर जो होता है वो करप्शन करता है, अगर उसी को रोक लिया जाएगा तो नीचे वालों की तो हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। कि अगर ऊपर के जो ऊपर एक बैठे लोग हैं उनको अगर उनके ऊपर अगर चेक रखा जाए तो जो नीचे के एम्प्लॉयज हैं वो वहां उस लेवल तक पहुंचेंगे ही नहीं। बिल्कुल, सरकार का सोचना बहुत अच्छा है कि ऊपर पे अगर हमने चेक कर लिया तो नीचे भी हो जाएगा, लेकिन सरकार को नीचे में क्या प्रॉब्लम है, नीचे भी कर दे, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। इतनी बड़ी संख्या का कंट्रोल करना बाय वन बिल इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। आप मेरी बात सुनिए, आप बोल चुके हैं, मेरी बात सुनिए, जब आपने एक बिल बना दिया, बिल पास कर दिया, उसका एक्सपीरियंस लो, देखो तो सही कहां तक ये कामयाब होता है, कल को ये फेल हो जाए, जो बिल बना है ना आगे चले, कल को आप ही लोग कहोगे हम तो बच्चे थे, हमें तो पता नहीं था, आप तो गवर्नमेंट थी, इतने एक्सपीरियंस्ड आदमी हो, हमारे पीछे लग के क्यों बिल पास कराया। आप क्या एक और एजिटेशन के लिए तैयार हैं? हम एजिटेशन के लिए तैयार नहीं, एजिटेशन को फेस करने के लिए तैयार हैं। अगर एजिटेशन गलत तरीके से होती है, व्हाट इज एजिटेशन, कंट्री में होती है, बहुत बड़े बड़े इनकलाब आते हैं, आने दो,